वैरागी शतक, अपने आप में वैराग्य से ओतप्रोत ऐसा वैरागी शतक, उसकी पांचवी गाथा में बहुत सुंदर बात कही, उसको सुनते जाइएगा। माँ सोचकिया वे पलाई ओमी पीस की सविस में तिन्नी जनाणु लगा रोगो जरा मरचो। इस गाथा के माध्यम से ज्ञानी जन बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि हे भाई, जागने के समय सो मत, सोए मत रहो, और भागने के समय विश्राम मत करो, क्योंकि प्रतिपल प्रतिक्षण तीन लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। कौन तीन लोग लगे हुए हैं? रोगो जरा मंचु, रोग मृत्यु और जरा ये बुढ़ापा सतत आपके पीछे दौड़ रहा है, तो उसे अपने पीछे लगा हुआ जानकर अपने आप को सावधान कर ले, सतर्क हो जाए, नहीं तो कभी भी ये तीन अटैक कर सकते हैं। जरा का अटैक होता है तो हम क्या कर लेते हैं, बाल काले कर लेते, उसको भी धता दिखा देते, उसे भी अंगूठा दिखा देते हैं कि जरा तू आई कहाँ, बाल काले कर लेते हैं, बत्ती सी लगा लेते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं, घुटने का ऑपरेशन कर लेते हैं, नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, और क्या कहते हैं, जरा तो आई नहीं। लेकिन याद रखना, जरा प्रतिपल आ रही है, हम माने या न माने, लेकिन जरा सतत आ रही है, सता रही है हमको, उसे ध्यान में रखते हुए अपने टाइम का शेड्यूल ऐसा कर ले कि हमको अधिक से अधिक कितना समय देना है आपको, चार महीने में अगर आप एक घंटा देते हो तो चार माह में आपको मात्र पाँच दिन देना है, रोज का एक घंटा 120 घंटे यानी पाँच दिन, मात्र पाँच दिन आपको देना है। पाँच दिन आप देंगे तो आपको वास्तव में लगेगा हमने जीवन में कुछ अचीव किया है, तो कोशिश करिए।